Hello my dear student of class 12 science. Today we discuss this some problems of exercise 5.1. clear 5.1 mein kuch problems hain, typical problems hum discuss karenge, uske baad next topic differentiability pe move karenge. exercise 5.5 hai, question number 1 jo diya hai, usme to point diye hain कि 0 माइनस 1 और 5 को चेक कीजिए और फंक्शन है 5x माइनस 3 जो कि आप इजीली कर लेंगे. बट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों पॉइंट आप चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स दिए हैं मैंने यहाँ पे, ए पार्ट बी पार्ट के दो पार्ट दिए हैं, सी और डी को आप अपने आप कर लेना, दोनों पार्ट ऐसे ही है जैसे मैंने एक किए हैं. इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया आपको, सिर्फ फंक्शन दिया है और फंक्शन देकर के छोड़ दिया है कि भी आप बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. यदि डिसकंटिन्यूअस है तो किन किन पॉइंट पे है आपको बताना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, जब पॉइंट नहीं दिया जाता है, पॉइंट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, दिए फंक्शन की कंटिन्यूटी एक जनरल पॉइंट ए पे चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन में ए पार्ट में और बी पार्ट में दिए हुए दोनों फंक्शन, जिसमें एक फंक्शन है x माइनस 5 और दूसरा फंक्शन है 1 अपॉन x माइनस 5, इन दोनों कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक जनरल पॉइंट ए पे. सो वी चेक आउट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल्स टू ए. सो एल एच एल एट x इक्वल्स टू ए लिमिट फॉर्मूला आप जानते हैं, एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच. ठीक है, क्योंकि इस समय ए पॉइंट है हम चेक कर रहे हैं, तो एफ ए माइनस एच. अब फंक्शन की वैल्यू आप निकालेंगे ए माइनस एच पे, फिर फंक्शन में जब एक्स है तो उस फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस फाइव है. क्लियर, जब फंक्शन में एक्स है तो उसकी वैल्यू एक्स माइनस फाइव है, और जब फंक्शन के अंदर ए माइनस एच होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी. उसके लिए आप क्या करेंगे, इस fx में x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच से, एंड आफ्टर रिप्लेसिंग x बाय a माइनस एच वी हैव a माइनस एच माइनस 5. क्लियर, हमें फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच पे निकालने के लिए fx इक्वल्स टू x माइनस 5 में x को रिप्लेस करना पड़ेगा a माइनस एच से. जब रिप्लेस करेंगे आप x को a माइनस एच से, then we have a minus h minus 5. Now put h equals to 0 in this and we have a minus 5. Now we calculate RHL. Right hand limit at x equals to a. Limit f a minus h. अब ध्यान सुनिए, फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे x minus 5 है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू a plus h पे क्या होगी. उसके लिए आप फंक्शन एफ एक्स में जहां जहां पे एक्स देख रहे हो उसको रिप्लेस कर दीजिए ए प्लस एच से. सो वी हैव ए प्लस एच माइनस 5. नाउ पुट एच इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव ए माइनस 5. सो वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन कंटेन लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस 5, फंक्शन कंटेन राइट हैंड लिमिट ए माइनस 5, both are equal. So we have to move FA and FA is also A minus 5, क्योंकि आप FA निकालने के लिए रिप्लेस करोगे x को a से. So we have FA plus A minus 5. So we observe that the function x minus 5 and any general point A contain left hand limit equals to right hand limit equals to FA. सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर. आप कहीं पर भी मूव करें, कहीं पर भी आप जाएं, रियल वर्ल्ड में, रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम में, इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक आप कहीं पर भी मूव करें, ये फंक्शन एफ एक्स अपने आप में कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, सो वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इन द लास्ट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1 upon x minus 5. In similar manner, again we check out the continuity of this function at general point A. So left hand limit x at x equals to a equals to
एफ ए माइनस एच, अब फंक्शन में रिप्लेस करेंगे आप एक्स को ए माइनस एच से, सो वी हैव 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस 5, नाउ पुट एच इक्वल्स टू 0, वी हैव 1 अपॉन ए माइनस 5. इन सिमिलर मैनर वी आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट ए एंड व्हिच विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट, फंक्शन में रिप्लेस कर दीजिए एक्स को ए प्लस एच से, सो वी हैव 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस 5, नाउ पुट एच इक्वल्स टू 0 एंड अगेन वी हैव द सेम वैल्यू 1 अपॉन ए माइनस 5. सो नाउ वी मूव ऑन एफ ए, अब हम एफ ए पे मूव करेंगे, उसको निकालेंगे क्योंकि दोनों की दोनों लिमिट लेफ्ट एज वेल एज राइट दोनों की दोनों लिमिट सेम वैल्यू कंटेन कर रही है. ठीक है, सो एफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस 5. हियर वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एट एनी जनरल पॉइंट ए कंटेन द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द जनरल पॉइंट मींस एफ ए. सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरीवेयर. क्लियर, फंक्शन सभी जगह पे कंटीन्यूअस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रॉब्लम आई है, पावर ऑफ एक्स इज एन, पावर ऑफ एक्स इज एन एंड एक्स इक्वल्स टू एन. अब देखो ये जो फंक्शन दिया है पावर ऑफ एक्स एन, अपने आप में कैसा फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है. ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है. मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, ऑल एल्जेब्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर. क्लियर, सो इस केस में हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट एन पे. यहां क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों में कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमने ए पे चेक किया था, बट यहां पे चेक करेंगे एन पे. सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एन, फॉर्मूला इज एफ ए माइनस एच, सो वी हैव एफ एन माइनस एच, क्योंकि अब पॉइंट जो है वो ए में रह करके वो एन हो चुका है. ठीक है, हमें एन पे चेक करना है, सो वी हैव एन माइनस एच. अब फंक्शन के अंदर पुट कीजिए एक्स के प्लेस पे एन माइनस एच, सो वी हैव एन माइनस एच टू द होल पावर एन. अब आपने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू द होल पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन. दोबारा प्रश्न लीजिए, क्लास 11 में लिमिट चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, लिखवाए गए थे, उनको ध्यान से पढ़ना है आज आपको, जो कि लिमिट में आप यूज भी करेंगे आगे. फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू द होल पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है, बट प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे 1 नहीं है, तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया है एन को. जब एन कॉमन लिया है एन बाहर आएगा, पावर एन है तो एन टू द पावर एन बाहर आ जाएगा और यहां बनेगा 1 माइनस एच अपॉन एन. और इसमें 1 को आप 1 ही रखें और जो माइनस एच अपॉन एन है इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, मतलब इसको आप अपने माइंड में 1 प्लस एक्स की तरह से मान लीजिए. ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि 1 प्लस ब्रैकेट माइनस एच अपॉन एन टू द होल पावर एन. तो जब इसको आप ऐसे मान लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस एच अपॉन एन. तो उस फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया, फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स. अब x क्या है मेरे पास में, x यहाँ से है माइनस एच अपॉन एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, बट x क्या है माइनस एच अपॉन एन एंड सो ऑन. उसके बाद में एन से एन कट जाएगा, एच को रखेंगे आप 0, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और आगे जो टर्म मिलेंगी वो भी सब 0 बन जाएंगी क्योंकि सब में एच इंक्लूड होगा. सो यहां से जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 1,
कि 1 प्लस 0 आगे सब 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 वर्ग करेंगे यहां मल्टीप्लाई n टू द पावर n में, तो n टू द पावर n आ गया है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। इन सिमिलर वे आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RHL एट द सेम पॉइंट n व्हिच इज fn plus h। अब फंक्शन को रिप्लेस करेंगे हम x को n plus h से एंड वी हैव n plus h टू द होल पावर n। अब ब्रैकेट में से आप n कॉमन ले लीजिए जो कि हमें बनाना है इसको 1 plus x टू द होल पावर n की तरह से, क्लियर। अब जब आप ब्रैकेट में से n कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 1 और यहां बनेगा h upon n, आप देख रहे हैं। अब 1 तो 1 रहेगा, जो h upon n है ये वर्कआउट करेगा एज अ x, क्लियर। सो h upon n वर्कआउट करेगा एज अ x एंड फार्मूला फॉर 1 plus x टू द होल पावर n इज 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 into x square। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो h upon n है क्योंकि मैंने इसको फॉर्मूला मान लिया है 1 plus x टू द होल पावर n, जो कि होता है एक्सपेंशन फॉर्म में 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 into x square plus n so on। अब इस तरह से इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है तो n से n कट जाएगा और जो टर्म आप देख रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, बाकी जो टर्म आगे आएंगे उन सब में h इंक्लूड होगा। जब h को रखेंगे आप 0 तो वो सब फ्रीज हो जाएंगी, वो सब 0 बन जाएंगी। 1 plus 0 1 आएगा, 1 की तरह मल्टीप्लाई आप n टू द पावर n में तो n टू द पावर n आ जाएगा। इस तरह से इस फंक्शन के रिगार्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों सेम वैल्यू आ रही है n टू द पावर n। तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें थर्ड स्टेप पे मूव करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट एंड राइट बोथ लिमिट हैव अ सेम वैल्यू। सो वी हैव टू मूव ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे दिए पॉइंट n पे, तो क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे x को n से। सो f n इक्वल्स टू n टू द पावर n एंड नाउ वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट n कंटेन द सेम वैल्यू अगेन एंड अगेन, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट n हैज द सेम वैल्यू n टू द पावर n। सो वी कैन से इन द लास्ट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट n, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 21 में तीन पार्ट दिए हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। एक्चुअली 21 क्वेश्चन में हुआ क्या है, इन्होंने sin x और cos x को एक बार ऐड किया है तो फर्स्ट पार्ट है, फिर माइनस किया है वो सेकंड पार्ट है, और फिर मल्टीप्लाई किया तो वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। तीनों पार्ट होने एक जैसे ही हैं, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं दिया गया है, सिर्फ फंक्शन देकर के छोड़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम पॉइंट ले लेंगे a और फिर हम a पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी इस दिए हुए फंक्शन sin x plus cos x की, ठीक है। 21 में जो ये फर्स्ट पार्ट है a, इसमें फंक्शन दिया है आपको sin x plus cos x, जैसे ये क्वेश्चन होगा सेम वैसे ही जो बाकी क्वेश्चन है जैसे कि बी पार्ट है और सी पार्ट है वो भी सब ऐसे ही होंगे। एक जनरल पॉइंट ए ले लेंगे हम, डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए पे, क्लियर। और जनरली सबका सेम ही आंसर आएगा, बी पार्ट और सी पार्ट उसमें भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, उसको आप अपने आप पढ़ लेंगे। मैं आपको ए पार्ट बता रहा हूँ fx equals to sin x plus cos x। अब इस फंक्शन में कोई पॉइंट नहीं दिया है, सिर्फ फंक्शन देकर के छोड़ दिया गया है। वो कह रहे हैं कि फंक्शन तो हम दे रहे हैं आपको, फंक्शन इज sin x plus cos x, आप सिर्फ चेक कीजिए कंटिन्यूटी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे a और a पॉइंट पर हम चेक करेंगे दिए हुए फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट
means limit h tending to 0, value of f at a minus h equals to limit. अब फंक्शन के अंदर जहां जहां पे आप x देख रहे हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए a माइनस एच से. सो वी हैव साइन a माइनस एच प्लस कॉस a माइनस एच. क्लियर? अब h को आप पुट कीजिए 0. सो साइन a माइनस 0 प्लस कॉस a माइनस 0 एंड रिजल्ट इज साइन a प्लस कॉस a. क्लियर? इन सिमिलर मैनर वी आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RHF एट द सेम पॉइंट a, which will be limit h tending to 0, value of function at a plus h. अब function के अंदर x को replace करेंगे आप a plus h से. So we have sin a plus h plus cos a plus h. Sin a plus h plus cos a plus h. Now replace h by 0. H को आप पुट कर देंगे 0. So we have sin a plus cos a is the value of RHL. And here we observe that LHL and RHL of the given function sin x plus cos x has the same value, sin a plus cos a. So we have to move the value of the function at the given point a. हमें f a निकालना पड़ेगा. f a कितना आता है? sin a plus cos a आता है. and here we observe that the given function sin x plus cos x at general point a contain the same value again and again, means the value of LHL, the value of RHL and the value of the function at the given point a are equal to each other, not a different value. It is equal value again and again, and which is sin a plus cos a. So we can write function is continuous at everywhere. Last में लिख देना statement ये. So function is continuous at everywhere. जब किसी point a पे आप check करते हैं, a means any general value. A may be 1, a may be minus 1, a may be 2 or 3, 4 etc. and so on. So whenever you are going for a general point A, then we have to write in the last the given function is continuous at everywhere. Clear? So इस तरह से exercise 5.1 में कुछ question थे typical, जैसे कि question number 31, 32 ये सब दिए हुए हैं, ये सब trigonometry का function है, ठीक है? तो इन्हें भी आप करेंगे. 26, 27, 28 इन सब में आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है. इसमें फंक्शन में क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप सिर्फ के बताइए. तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, आरएचएल निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. उन्हें निकाल करके आप इक्वल रखेंगे और इक्वल रख करके आपको वहां से के मिलेगा. के मीन्स एनी अननोन रियल वैल्यू, ठीक है? फिर चाहे वो के हो या फिर वो लैंडा हो. क्वेश्चन नंबर 18 में लैंडा निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप दिए पॉइंट पे जिसको कंटिन्यूस बता रहे हैं, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन को बता रहे हैं उस पॉइंट पे निकालेंगे LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू. उन्हें निकाल करके इक्वल रख देंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, वो क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं अपने आप. तो आप उस कंडीशन को केवल यूज करेंगे और यूज करने के बाद आप वहां से अननोन रियल नंबर की वैल्यू को निकालेंगे. नाउ वी डिस्कस द कंसेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस द न्यू कंसेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी. इन डिफरेंशिएबिलिटी अ फंक्शन एंड अ पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. Okay, and after that you check out that function is differentiable or not at the given point. Function दिए point पे differentiable है या नहीं है ये आप check करेंगे. अब check करेंगे तो कैसे करेंगे सुन लीजिए. आपको जब point दिया जाएगा तो आप निकालेंगे उस point पे इस function के regarding LHD means left hand derivative. फिर निकालेंगे आप RHD means right hand derivative. And the formula of left hand derivative and right hand derivative are limit h tending to 0, value of function.
फंक्शन ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको याद होगा हम यूज करते थे एफ ए माइनस एच। फंडा बता रहा हूं कैसे इसको आप याद रखोगे, कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे इसको आप याद रखोगे अपने माइंड में। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय हम यूज करते थे एफ ए माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम यूज करेंगे एफ ए माइनस एच। बट इन राइट हैंड डेरिवेटिव वी यूज एफ ए प्लस एच। क्यों? क्योंकि आर एच एल में यूज करते थे एफ ए प्लस एच। क्लियर? सो जब एल एच एल में यूज कर रहे थे एफ ए माइनस एच तो एल एच बी में भी यूज करेंगे एफ ए माइनस एच। जब आर एच एल में यूज कर रहे थे एफ ए प्लस एच तो आर एच बी में भी यूज करेंगे एफ ए प्लस एच। क्लियर? उसके बाद माइनस एफ ए दोनों फॉर्मूलों में है जो बाद में आपको माइनस करना पड़ता है अपॉन। अब सुनिए, यदि आप लेफ्ट की बात करेंगे मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो अपॉन में आएगा माइनस एच, और यदि आप बात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की तो अपॉन में आएगा प्लस एच। ध्यान रखना है ये डिफरेंस है। मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट बाद में डिनोमिनेटर में माइनस एच नहीं लिखते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है, मिस्टेक आप ना करें। सो फॉर्मूला इज एल एच डी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। एंड द फॉर्मूला ऑफ आर एच डी मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। दोनों फॉर्मूला में कुछ सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटी क्या है वो सुन लीजिए, इसको आप याद रखेंगे। माइनस एफ ए दोनों फॉर्मूलों में है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट में आप यूज करते थे एफ ए माइनस एच, वो हमने यूज किया लेफ्ट में। राइट लिमिट में आप यूज कर रहे थे एफ ए प्लस एच, वो हमने यूज किया यहाँ पे एफ ए प्लस एच। उसके बाद यदि लेफ्ट है तो माइनस एच और राइट है तो प्लस एच। क्लियर? सो इफ आफ्टर कैलकुलेटिंग द एल एच डी एंड आर एच डी इफ एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी सपोज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर सेम देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर? यदि आप फंक्शन में केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आपको एल एच डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आर एच डी निकालना पड़ेगा। एल एच डी और आर एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन, इससे आपको थोड़ा ओके हो जाएगी पिक्चर। वी हैव एफ एक्स इन टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस फाइव व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन एंड सेकंड इज एक्स माइनस फाइव व्हेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन वन। सो फंक्शन कंटेन द टू पार्ट विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज मूविंग, उसके अंदर फंक्शन बदल रहा है। जैसे फंक्शन में एक्स मूव कर रहा है वैसे ही फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। सो वी चेक आउट द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स प्लस टू वन, वन पे हम चेक करेंगे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल एच डी मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ ए, ए इज वन। सो वी हैव दिस लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए माइनस एच, सॉरी वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। अब जब निकालेंगे यहां फंक्शन की वैल्यू वन माइनस एच पे, वन माइनस एच मीन्स वन से लेस हो चुका है, वन से लेस कहां पे है वो यहां पे है, और तब फंक्शन क्या है एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स प्लस फाइव में आप एक्स को रिप्लेस कर दीजिए वन माइनस एच से, ठीक है? रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा वन माइनस एच प्लस फाइव, वो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है? इसकी वैल्यू आएगी यहां से क्योंकि वन माइनस एच ये पॉइंट वन से कम है, अब वन से कम कहां पे है वो यहां पे है, और तब उस समय जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक्स प्लस फाइव है, तो आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे वन माइनस एच से। एंड आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स बाय वन माइनस एच वी हैव द वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 माइनस एक्स प्लस फाइव विच इज दिस। क्लियर? माइनस एफ वन, अब वन मीन्स जहां पे इक्वल टू वन है,
तो जहां पे x इक्वल टू वन है वो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x इक्वल टू वन है और तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस फाइव है, तो x प्लस फाइव में आप रिप्लेस कर देंगे x को वन से, सो वी हैव वन प्लस फाइव, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है f वन के रिगार्डिंग और ये वैल्यू आ चुकी है f वन माइनस h के रिगार्डिंग, अपॉन में माइनस h रहेगा एज इज। फिर करेंगे आप सिंप्लीफाई, वन प्लस फाइव सिक्स, सिक्स से सिक्स कट जाएगा, ठीक है। सो वी हैव माइनस h अपॉन माइनस h, इनको सिंप्लीफाई किया वी ऑब्टेन वन एंड वन इज कॉन्स्टेंट। जब इसको सोल्व किया है हमने इस फंक्शन एफ एक्स को, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो वन आ रही है, क्लियर। वो वन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको सोल्व सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते ही समय हमने कुछ यहाँ पे एफ वन माइनस एच निकाला जो मेरे पास में ये आ रहा है, एफ वन जो मेरे पास में ये है माइनस एच वन में है, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो माइनस एच वन आता है माइनस एच और लास्ट में आता है मेरे पास में वन, एंड वन इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू फ्री फ्रॉम एच, एंड वेन एवर वी पुट एच इक्वल्स टू जीरो देन वी हैव अ वन, क्योंकि यहाँ पर एच है नहीं तो आप काम करेंगे जीरो को कर नहीं पाएंगे, सो वी हैव अ वन। सो इस तरह से इस फंक्शन की वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वन। नाउ वी चेक आउट द राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। So RHD means right hand derivative limit. First of all we have to write the formula, and formula is limit h approaching to 0 value of function f a plus h minus f a upon h. Now a is 1, a means जहाँ पर check कर रहे हो, हम check कर रहे हैं 1 पे, so a is 1 and we have limit h tending to 0 value of function f a plus h minus f1 upon h, clear. Now calculate the value of function at 1 plus h. 1 plus h means 1 से बड़ा हो गया है, ठीक है, 1 से आगे जा रहा है और यहां पर 1 से बड़ा साफ है x इधर है, ठीक है। जब x greater than 1 है तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, x minus 5, तो x minus 5 में x को रिप्लेस कर दीजिए आप 1 plus h से, क्लियर। जब आप x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच से तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस एच माइनस 5 जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। उसके बाद निकालिए फंक्शन की वैल्यू 1 पे, तो अब चेक करो कि x इक्वल टू 1 कहां पे है, वो फर्स्ट पार्ट में है, x इक्वल टू 1 स्मॉल भी है लेस भी है और इक्वल टू भी है, और तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 में आप रिप्लेस कर दीजिए x को 1 से, and we have 1 plus 5 means 6. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we obtain minus 10 plus h upon h, now divide by h. हम डिनोमिनेटर से करेंगे डिवाइड, सो वी हैव माइनस 10 अपॉन एच एंड प्लस एच अपॉन एच सेपरेटली, सो फाइनली वी हैव 1 माइनस 10 अपॉन एच, नाउ पुट एच इक्वल्स टू 0, एच की जो वैल्यू पुट कर दीजिए आप लिमिट, जब लिमिट पुट करेंगे आप इसमें तो यह आएगा 1 minus 10 upon 0, and you know very well that something upon 0 is always infinite. So we have 1 minus infinite. Clear? So answer is minus infinite. भाई 1 minus infinite होता है, ठीक है? अब 1 में आप plus करें या 1 में से आप minus करें, result is again infinite. So RHD is minus infinite, but LHD is one, and both are different. दिए फंक्शन की जब हमने वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला वो बना रहा है, उसके बाद निकाला राइट हैंड डेरिवेटिव RHD वो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, सो बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है, दोनों जब सेम नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, so we have to write that LHD is not equal to RHD, so function is not differentiable, clear. Simple task है, simple procedure है, जब भी आप किसी function के regarding differentiability को check करेंगे तो आपको निकालना है उस function के regarding उस दिए point पे पहले LHD means left hand derivative formula ये है, ठीक है, formula में use करते हैं f a minus h और upon में minus h,
उसका आप निकालेंगे आप उस फंक्शन का आर एस डी। फॉर्मूला सिंपल है, एफ ए प्लस एच और एच यूज करते हैं, ठीक है। यदि अब इन दोनों को निकालने के बाद यदि ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ एल एस डी एज वेल एज आर एस डी आर इक्वल टू ईच अदर देन फंक्शन इज टोटली डिफरेंसिबल अदरवाइज नॉट डिफरेंसिबल। अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, आप आरडी सवालों को उठाएंगे आज, उसके जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के बाद में दिए हुए डिफरेंसिबिलिटी कुछ वहां पे दिए हुए हैं वो उनको आप करेंगे, ठीक है। सो आपको आरडी सवालों में से क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंसिबिलिटी के, लास्ट ईयर 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, ठीक है। तो टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फ्यूचर में यूज करेंगे 12th के बाद भी। सो ये आपको टॉपिक आज करना है, आरडी शर्मा में से अपने क्वेश्चन पिकअप कीजिए और उनको वहां से उठाने के बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंसिबिलिटी आज मिस हो चुका है, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दिया है कैसे करना है। फंक्शन दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट पे आप उस फंक्शन के रिगार्डिंग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर सेम आर इक्वल देन फंक्शन इज डिफरेंसिबल अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंसिबल। क्लियर, एक सिंपल सा टास्क है जो आप आज बैठ कर करेंगे। तो आरडी शर्मा में से क्वेश्चन जो दिए हैं डिफरेंसिबिलिटी के कंटिन्यूटी के बाद दिए हुए हैं उनको वहां से पिकअप कीजिए और सॉल्व कीजिए।